तो तैयार हो? जी हाँ तैयार हैं। तो फाइनली PSL 5 का ऑफिशियल एंथम आ चुका है, हम लोगों ने देख लिया और बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिशियल एंथम था, स्टारिंग आसिम अज़हर, हारून शाहिद, आरिफ लोहार और वन एंड ओनली अली अजमत। बहुत ही ज़बरदस्त एंथम था और आज हमारा रिव्यू और रिएक्शन इसी बारे में है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सब वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो अगर मुझसे पूछो कि यार आपको साल में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो मुझे होती है PSL 5 की, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ और मुझे PSL बहुत पसंद है और जब भी हमारे मुल्क में ये इवेंट आता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात इस PSL की, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये PSL हमारे पाकिस्तान में हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि कंप्लीट PSL जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, कराची, लाहौर और बहुत सारे शहरों में जो है इसके मैचेस होंगे। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है। उसके अलावा PSL से रिलेटेड जो भी अच्छी खबर आती है हमें हमेशा उसकी खुशी होती है। हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो आप समझ रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम भी हमारे पाकिस्तान में आकर खेली है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है और उम्मीद है आगे भी सब ठीक ठाक चलता रहेगा। और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डेल स्टेन, एलेक्स सेल्स वगैरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं और हम भी तैयार हैं PSL 5 के लिए। और ऑफिशियल एंथम आ चुका है, ऑफिशियल एंथम बहुत मज़े का था, ज़बरदस्त था, सुपर पिक्चराइजेशन और वीडियोग्राफी बहुत ज़बरदस्त थी, म्यूज़िक भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों को थोड़ा बहुत पसंद नहीं आ रहा लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। बट हाँ, मैं इस चीज़ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो अली ज़फ़र वाले सॉन्ग की वो खेल जमेगा उसकी बात नहीं आ रही, उस वाले PSL के जैसा सॉन्ग अभी तक नहीं आया, उस जैसा सॉन्ग अभी तक नहीं आया और इस सॉन्ग, ये सॉन्ग भी कहीं पे भी उस लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहा। क्योंकि जिस सॉन्ग, और मुझे जहां तक याद है PSL 1 का भी नेशनल एंथम, जो ऑफिशियल एंथम जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और उसके बाद खेल जमेगा जो नंबर 2 का था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था और जैसे कि बहुत ज़्यादा हिट रहा था। लेकिन नेक्स्ट जितने भी आते रहे, लास्ट टाइम आई थिंक फवाद खान और उन्होंने किसी और ने भी उनके साथ किया था, लेकिन वो वाली बात एंथम की नहीं आ रही। जो आई थिंक वो जो रंग है वो मेरे ख्याल से अली ज़फ़र ही लेकर आ सकते हैं, वो दोबारा जो वो खेल जमे वाला जो एक जोश था, मतलब एक सॉन्ग को सुन के, जैसे मिसाल के तौर पे आप अली अजमत का अगर जज्बा जुनून जब भी आप सुनते हो तो आपको अंदर से एकदम एक जोश अलग से ही आ जाता है। तो यार वो एक चीज़ जो आती है ना वो हमें खेल जमेगा सॉन्ग सुनकर वाकई आती थी, बड़ा मज़ा आता था वो सुनकर। और इसी तरह से लेकिन एक्साइटिंग है, बहुत मज़े का है, अच्छा है और बहुत एंजॉय करने वाला है। क्रिटिसाइज़ हर चीज़ पे, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। हाँ, उस लेवल को मैच नहीं करता, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि भाई बहुत सुपर हिट है या ज़बरदस्त है, लेकिन अच्छा था, वो वाले लेवल पर नहीं पहुंच रहा अली ज़फ़र। मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था, PSL का इंतज़ार तो मैचेस का तो होता ही होता है, लेकिन ये है कि हम लोगों को सॉन्ग्स का भी इंतज़ार रहता है कि यार PSL का ऑफिशियल सॉन्ग आएगा, ये होगा वो होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, PSL का नेशनल एंथम, ऑफिशियल एंथम भी आ चुका है और PSL भी आने वाला है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, कौन कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है सब अपने अपने कमेंट्स शेयर करो। और आप लोगों को ऑफिशियल एंथम कैसा लगा आप लोग भी अपनी राय ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जिलियन टॉकीज़ के एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। हमारे फेसबुक को भी ज्वाइन करो और अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, टेक केयर, गुड बाय।